टॉप बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 9000। तो भाई अगर आपको कैमरा स्मार्टफोन चाहिए ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। मैं टॉप 5 नहीं आपको बताने वाला, मैं टॉप 4 बताऊंगा। तो बात करते हैं सीधा नंबर 4 की बात करूं। नंबर 4 पे यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M02S को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि ये 3 कलर्स में देखने को मिलता है। सैमसंग का फोन है, ट्रस्टेड ब्रांडेड टॉप ब्रांड में से आता है। यार मुझे बहुत ऐसे बंदे मैसेज करते हैं जिनको सैमसंग का ही फोन चाहिए होता है। तो भाई अगर आप भी उनमें से आते हो तो आप जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M02S की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 वेरिएंट में फोन देखने को मिलता है, 3GB रैम के साथ एंड 4GB रैम के साथ। जो 3GB रैम वेरिएंट है वो आपको 8999 के बजट में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि इन्फिनिटी वी कट डिस्प्ले है, ठीक है। आपको स्नैपड्रैगन की ओर से प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हूँ, आपको एंड्रॉइड 5 वर्जन 10 देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा, प्लस आपको 5 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो यार सैमसंग के फोन की खास ही आपको ये देखने को मिलता है कि आपको बैटरी लाइफ बड़ा देखने को मिल जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका ग्रे कलर इसको ज्यादा सूट करता है। एंड मैं आपको ये भी चीज बता देना चाहता हूं कि प्लास्टिक फ्रेम में देखने को मिलता है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सही है। अगर आपके हाथ से फोन गिर भी जाता है, कहीं पर भी गिर जाता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, टूटने नहीं वाला, ख़राब नहीं होने वाला। आप नॉर्मली इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग टाइम पीरियड भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। एंड अगर आपका बजट 9000 है, आपके बजट रेंज में पूरा फिट हो रहा है। प्लस मैंने जो लिंक है वो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपने चेकआउट करना है, स्पेसिफिकेशन खुद देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अभी बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली मैं आपको बता देता हूं। यार डिस्प्ले की बात करूं, इसमें आपको 6.5 इंच की PLS IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि सैमसंग की ओर से खुद की ही अपनी देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 450 देखने को मिल जाता है जो कि 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बात करूं, आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 30MP + 2MP + 2MP। सेल्फी की बातों को 5MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। स्टोरेज की बात करूं, ये 3 और 4GB रैम वेरिएंट के साथ आता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, आपके 3GB रैम जो है वो आपको 8999 के बजट रेंज में देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी M02S की। अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो, लेकिन जो मैं आगे फोन बताऊंगा वो और भी सही होने वाले। लेकिन अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डील हो जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M02S। आगे बात कर लेते हैं नंबर थ्री की बात करूं। नंबर 3 पे यार मैंने रखा है Realme Narzo 30A को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताने जाता हूं कि ये स्मार्टफोन भी आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। जो 3GB रैम वेरिएंट है वो आपको लाइक 9000 के बजट रेंज में देखने को मिल जाता है। फोन 2 कलर्स में आता है, दोनों कलर इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। एंड इसकी लुक, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी तो आपको अपर देखने को मिल ही जाती है। उसके साथ साथ प्रोसेसर की बात करूँ, इसमें आपको MediaTek की ओर से प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भी अगर आप हाई सेटिंग पे गेमिंग करना चाहते हो आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। आपको HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको 4K ऑप्शन इसमें नहीं देखने को मिलता। आप 4K में शूट नहीं कर पाओगे। इसमें आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 6000mAh की बैटरी मतलब आपके 2 दिन तो नॉर्मली निकल जाएंगे। जैसे भी आपने यूज़ करना है, जितना भी आपने हैवी वर्क करना है या कोई भी काम करना चाहते हो आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। प्लस ये स्मार्टफोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है जो कि इस स्मार्टफोन का एक प्लस पॉइंट आ जाता है जो कि आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाला अगर आपकी दूसरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच की IPS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को, इसमें आपको MediaTek Helio G85 देखने को मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बातों को 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, प्लस रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे की बातों को, डुअल कैमरा मिल जाता है लेकिन आपको 4K ऑप्शन नहीं मिलता। सेल्फी की बात करूं, आपको 8MP सेल्फी मिल जाती है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 3GB वेरिएंट जो है वो आपको 9000 के बजट में देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करूं, आपको 9000 के बजट में Realme Narzo 30A देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया Realme Narzo 30A की। अगर आप इस स्मार्टफोन की ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो। आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाती है, प्रोसेसर भी आपको सही मिल जाता है, एंड डिजाइन लुक वाइज देखा जाए फोन बहुत ही ज्यादा अपर है। बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, अगर आप खुद चेकआउट करना चाहते हो, स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, फोन को चेकआउट करना चाहते हो तो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं नंबर टू की बात करूं। नंबर टू पे यार मैंने फिर से रखा है Realme की ओर से स्मार्टफोन। मैं बात कर रहा हूँ Realme Narzo 20A की। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, ये स्मार्टफोन आपको 2 कलर्स में देखने को मिलता है,
सिल्वर कलर में एंड आपको देखने को मिलेगा ब्लू कलर में। दोनों कलर इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। स्नैपड्रैगन की ओर से आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भाई अगर आप हार्डकोर गेमिंग के लिए लाइक स्मार्टफोन देख रहे हो, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस भाई अगर आप कैमरे के अकॉर्डिंग जो है वो स्मार्टफोन देख रहे हो एंड अगर आपका बजट 9000 है, ये स्मार्टफोन भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, बिकॉज आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, प्लस आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। आपको HD+ डिस्प्ले मिलेगी जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ आती है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, इसमें आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, प्लस फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि इस स्मार्टफोन की खास है। एक प्लस पॉइंट थोड़ा सा आ जाता है। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर मैंने आपको पहले बता दिया कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, स्नैपड्रैगन की ओर से आता है। स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर होता है सच में तगड़े होते हैं, आप गेमिंग कर सकते हो नॉर्मली, ईजिली कर सकते हो। स्टोरेज की बात करूँ, ये आपको 4GB रैम एंड 3GB रैम के साथ देखने को मिलेगा। जो भी आपके बजट में रेंज में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। बैटरी की बात करूँ, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, ट्रिपल कैमरा मिल जाता है जिसपे आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बातों को 8 MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, ये स्मार्टफोन आपको 8000 से लेकर 9000 के बजट रेंज में देखने को मिल जाता है। 9000 से थोड़ा सा अपर इसका बजट शायद जा सकता है। लिंक मैंने बायो में दिया हुआ है, अभी अगर आपने चेकआउट करना है आप चेकआउट कर सकते हो, देखना चाहते हो लेना चाहते हो जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, रियलमी नार्जो 20 AK। ये स्मार्टफोन भी सच में बहुत ही ज़्यादा सही है, इसकी लुक वगैरह इसका डिज़ाइन हो गया, प्लस इसके जो स्पेसिफिकेशन है 9000 के बजट रेंज में आपको 4K वीडियो ऑप्शन मिल जाना, फिंगरप्रिंट मिल जाना, फेस अनलॉक मिल जाना, लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाना, वो चीज़ सच में मैटर करती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, अगर आप रियलमी लवर हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ होने वाली है। आप जा सकते हो इस स्मार्टफोन की। और अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर यार मैंने रखा है Redmi 9 Prime को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको इतनी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसका बजट रेंज है वो 9000 से थोड़ा सा अपर चलेगा। भाई अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, 500 जो है अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो आप चल जाना इस स्मार्टफोन की, बिकॉज आपको स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़े मिल जाते हैं। मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, थोड़ा सा डीपली बात कर लेते हैं। तो अगर मैं फ़ोन की बात करूँ, सबसे पहले ये 4 कलर्स में देखने को मिलता है। ग्रे कलर इसको ज़्यादा सूट करता है, 2 विंड में देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। स्टोरेज आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, वैसे तो ये 4GB वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है, 64GB स्टोरेज प्लस 128GB स्टोरेज। मैं आपको कहना चाहता हूँ 64GB स्टोरेज की और चल जाना, बिकॉज आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। अगर आपको लाइक स्टोरेज की ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो आप माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हो। यार MediaTek Helio G80 देखने को मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, इसमें आपको MIUI प्लस आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है, MIUI, ठीक है। तो फुल HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ आती है। कोर कैमरा साइड मिल जाता है जिसपे आप 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते, जो कि थोड़ा सा सच में एक माइनस पॉइंट आ जाता है। लॉन्ग बैटरी लाइफ है, प्लस आपको फोन जो है वो प्लास्टिक फ्रेम में देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आपने यूज़ करना है आपको केस डालकर ही इसको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रैच आने के डर रहते हैं और कोई भी रीज़न नहीं है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi 9 Prime के। अभी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो भाई अगर आपका बजट 9000 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल जाता है, 500 अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो आपके लिए परफेक्ट डील हो जाएगा Redmi 9 Prime। अगर आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते, अगर आपका बजट 9000 से थोड़ा सा कम है, आपके लिए परफेक्ट डील हो जाएगा Realme Narzo 20A। ये दोनों फ़ोन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड अगर आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, Samsung का जो मैंने फ़ोन बताया Samsung Galaxy M02S, वो आपके लिए परफेक्ट डील हो जाएगा। आप इन तीनों स्मार्टफोन में से कोई भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर मेरा बजट 9000 होता तो भाई मैं जाता Realme Narzo 20 की, और बिकॉज उसका डिज़ाइन, उसके लुक, उसके स्पेसिफिकेशन एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाना, वो सच में एक चीज़ मैटर करती है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो आप देख लेना, जो भी आपको सूट करता है आप उसके और जा सकते हो। बाइंग लिंक मैंने सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आपको चेकआउट करने को मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो भी आप कर सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो लगी, आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेजना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेजना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर दे फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू करना। भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।